माल भी खपा करोगे और वहीं वहीं पैकिंग भी होगी। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि सही व्यक्ति जाए, कोई तीसरा व्यक्ति, नहीं तो ये तो कलेक्टर को सलूट मारते हैं जाके। मैं रियल बता रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा में जो भी ट्राइवल का व्यक्ति जाता है, बनता है रिजर्वेशन के आधार पे, ये कलेक्टर को चैम्बर में जाके सलूट मारने का काम करते हैं और कलेक्टर इनकी फिर सुनता नहीं। कलेक्टर को अगर इनने थोड़ा बहुत भी कुछ कह दिया, भड़का दिया, कलेक्टर जो है फिर संदेश करता है ऊपर, और ऊपर से फिर उनके मालिकों के पास पहुंच जाता है और मालिक का फोन आता है, क्यों भाई क्या दिक्कत हो गई, काम तेरा क्या, कौन सा काम रुका है, वहाँ वो शांत हो जाता है। ये बिल्कुल आधारभूत मैं चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अनुभवशील व्यक्ति हूँ, मैं भोपाल से दिल्ली तक राजनीति का सफर करता हूँ, तो हम ये देखते हैं और अनुभव करते हैं, इसलिए सोचना पड़ेगा। मैं आपको सही में वाकई में लगे कि नहीं मनमोहन मेरे साथ खड़ा हो सकता है, हम जहाँ कहेंगे वहाँ खड़ा हो जाएगा आदि रात को, तो ये मनमोहन को जो आजमाया है वो बिल्कुल टुकता आजमाया है। अरे सही व्यक्ति चुनो ना, हम तो कहते हैं सही व्यक्ति चुनोगे तो वो सीएम को 10 बार उतार सकते हैं, कोई भी दल का सीएम हो, एमएलए के पास इतना पावर होता है और एमएलए सीएम बनता है, वो मजबूर कर सकता है। अब ये पार्टी के आधार पे जाएंगे विधायक बन के, इनको कहें कि सीएम को ले आओ तुम, यहाँ ये चीज़ कराना है, नहीं ला पाएंगे। निवेदन रखेंगे किसी से, प्रस्ताव रखेंगे कि साहब ये ऐसा ऐसा है, सीएम कहेंगे मेरे को टाइम नहीं, पर एक तीसरा व्यक्ति अगर विधायक बनता है इनके दल से हटके, तो वो कुछ ना कुछ करेगा और सीएम को मानना पड़ेगा। यहाँ सीएम आएगा, यहाँ पर एक प्रत्याशी के बारे में समाचार आए हैं कि भूपेंद्र वाकड़े, इनके क्या हालात हैं? भूपेंद्र वाकड़े जी से मेरी पहले लगातार बात हुई है और उनने भी कहा कि भैया मेरा वेट कर लो, वेट कर लो, उन्होंने काफ़ी वेट किया, मैं लगातार संपर्क में था। बीच में हमें सुनने में आया कि नहीं इनको टिकट नहीं मिल पा रही है कांग्रेस की तरफ से, तो इनने जो है फॉर्म तो भरा निर्दलीय के रूप में, पर आज सुनने भी मिल रहा है कि फॉर्म उठा भी लिया उन्होंने। तो इनके समर्थकों का क्या होगा? अब इनके समर्थकों का ये भूपेंद्र भाई को सोचना पड़ेगा कि वो क्या जवाब देंगे उनके समर्थकों को। दूसरी चीज, क्षेत्र में जो बात जाएगी कि चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, जो फॉर्म भरता है और अगर फॉर्म उठाता है तो कहीं ना कहीं उसका रेपुटेशन का सवाल लोग करते हैं कि आपने फॉर्म किस आधार पर उठा लिया, भले उनके पार्टी का रिपोर्टेशन या पार्टी का वेश हो उसके आधार पे उनने बातचीत करके उठवाया हो, पर कहीं ना कहीं आरोप तो लग सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए भूपेंद्र भाई को मुझे लगता है कि फार्म नहीं उठाना चाहिए था, पर वो उनकी निजी कारण भी हो सकते हैं या पार्टी के में, अगर वो पार्टी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हों तो कांग्रेस पार्टी का ऊपरी उनके जो भी कर्ता धरता है उनने निर्णय लिया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दबाव बनाने के लिए पार्टी में हो सकता है दबाव बनाए होंगे, निश्चित रूप से चूंकि उनका कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी चैन सिंह वरकड़े हैं, तो भूपेंद्र भाई को मनाने के लिए दबाव या कोई बात ऐसी रखी गई होगी सर, जिससे कि वो मान जाए। आप तो किसी दबाव में नहीं आएंगे? मैं तो किसी दबाव में नहीं हुआ, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं चुनाव निष्पक्ष लड़ूंगा तो लड़ूंगा।